उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। केशव मौर्य ने कहा है कि अगर नेताजी जिंदा होते तो उनको ये देखकर बड़ा दुख होता कि उनके बेटे अखिलेश यादव गांधी परिवार की दरबारी कर रहे हैं, गांधी परिवार के पीछे पीछे चल रहे हैं। कभी मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था, लेकिन अखिलेश यादव बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहे हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री भी बता रहे हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ हैं। अब तो आपके सबसे बड़े नेता पर उप मुख्यमंत्री जी ने निशाना साधा है। कभी कांग्रेस के विरोधी रहे थे मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अब गांधी परिवार के कांग्रेस के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनका आरोप है? देखिए, वो कुछ भी बोलते हैं, उनकी बात को संज्ञान कोई लेता नहीं है। अब वो नाना प्रकार के आरोप लगाते हैं, लेकिन आप देखिए खाली मीडिया बाइट देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं तथ्य है। लेकिन हम जो जवाब देते हैं, मतलब हमारे जो मुखिया बात करते हैं, वो तथ्य के साथ बात करते हैं। चुनाव में हम लोगों ने हराया, उसके बावजूद भी उनके पार्टी ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो किसका भला कर रहे हैं, अपने समाज का भला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पार्टी उनको कितना सम्मान देती है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे अखिलेश यादव जी लगातार सवाल पूछते हैं। अब वो उनसे जिस भी भाषा में बात करें, लेकिन उनकी बातों का कोई वजूद नहीं है, ना ही कोई ज़मीनी कह सकते हैं आप उसको तथ्य है। लगातार हम लोगों ने उनको जवाब दिया है, वो भी परिणाम के साथ दिया है। उनको चुनाव में भी हराया हम लोगों ने, उनके लोकसभा क्षेत्र में भी हम लोगों ने उनको जवाब दिया, उनके विधानसभा में भी हम लोगों ने जवाब दिया, लेकिन वो अपने समाज को क्या जवाब दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सत्य प्रकाश है। सत्य प्रकाश जी, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में आपके नेता की बात नहीं सुनेगी, कांग्रेस ने कोई सीट नहीं दी, बावजूद आप लोगों ने गठबंधन किया, ठीक है, बढ़िया रिजल्ट रहा, लेकिन गांधी परिवार के पीछे पीछे चल रहे हैं। जो उप मुख्यमंत्री जी का दावा है, जो अखिलेश जी पर जो उनका आरोप है, वो तो सही दिख रहा है ना? सही दिख रहा। जो आप बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गए, तो मध्य प्रदेश में हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे मिर्ज़ापुर जिला से बहुत से लोग गए थे प्रचार करने के लिए, रिजल्ट नहीं हुआ। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का वर्चस्व होते होते थोड़ा बचा है, लेकिन वहाँ पर नाम हो गया कि समाजवादी पार्टी है जी। तो क्या कहेंगे केशव जी जो कह रहे हैं, उसमें सच्चाई है क्या? केशव जी जो कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के विरुद्ध कहते हैं, वो तो गलत है। लेकिन कुछ दिन पहले आपने खुद सुना होगा कि योगी और मोदी को दोनों को कह करके अलग होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो है अपने सीट को बचाने के लिए फिर उनको कह रहे हैं कि योगी मोदी से अच्छा कोई देश में प्रधानमंत्री नहीं है, या योगी जैसा कोई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। क्या कहेंगे भाई साहब जो केशव मौर्य कह रहे हैं उस पर? अब देखिए, केशव मौर्य का भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान है वह जग जाहिर है। हाँ, उन्हें बैठने के लिए स्टूल दिया जाता है, उनको जितना इंडिकेटर जितना ऊपर से बोलने का सूचना मिलता उतना वो बोलते हैं, उनको आज़ादी बोलने की आज़ादी नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी से जो उन्हें सूचना मिलता, आदेश निर्देश मिलता, उसी का वो पालन करते हैं। और कोई केशव प्रसाद मौर्य के बारे में अपने कोई बाणी नहीं है, अपना कोई हिम्मत ताकत नहीं है। क्या कहेंगे दीदी आप? कोई बात का मतलब नहीं उनके बोले, क्या कहना चाहते? देखिए, केशव जी तो कुछ भी कहेंगे, उनकी तो आदत ही है, वो उठपटांग तरीके का भाषणबाजी ही करते हैं, बयानबाजी करते हैं, तो वो तो सिर्फ अपनी ही पार्टी को अच्छा बताएंगे, बाकी पार्टी तो सब है, और अखिलेश जी के पीछे तो वो खास करके पड़े रहते हैं। तो क्या कहेंगे भाई साहब ये जो आरोप लगाए हैं केशव मौर्य? केशव प्रसाद मौर्य जी की किसी बात को गंभीरता से कोई लेता नहीं है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी ओम प्रकाश राजभर जी हो गए हैं, अच्छा। सोचिए, और क्या, जो PWD मिनिस्टर थे, अब वहाँ से डिमोशन हो गया। जब व्यक्ति हारता है तो थोड़ा दिमाग से हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, हारे व्यक्ति क्या बात करेंगे। और केशव प्रसाद मौर्य की तुलना अखिलेश यादव से करेंगे, जो हिंदुस्तान की तीसरी पार्टी हो पार्लियामेंट में, आप उससे तुलना करेंगे? मैं केशव प्रसाद मौर्य को खुली चुनौती देता हूँ और बनारस जनपद देता हूँ, उनकी हैसियत औकात है तो रिजाइन दे दें और चुनाव लड़ें, जमानत में जब्त हो जाएगा तो राजनीति छोड़ दूंगा मैं। क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है, पहले तो वो जुमले वाली पार्टी के सदस्य हैं जिनको खुद बड़े मंच पर कुर्सी नहीं मिलता बैठने के लिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह से कहते हैं। आने वाले चुनाव में उनका औकात
पूरे उत्तर प्रदेश में पता चल जाएगा कि क्या होता है जुमलेबाजी और क्या होता है जो है कि झूठ और फ्रेब करना। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य की अपनी कोई आइडेंटिटी है नहीं, पार्टी में अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है और जो वो आरोप लगा रहे हैं वो तथ्यहीन है, उसमें कोई दम नहीं है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव अपना काम कर रहे हैं, बीजेपी उनको लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।